फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुकिंग 11। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो आज हम बनाएंगे बिस्किट के ट्रफल्स। बेसिकली ट्रफल्स बनाने में बहुत खर्चा होता है, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ईजी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाने में बहुत ही कम खर्च होगा और बहुत ही ईजिली ये बनकर रेडी होगी। जितनी ईजिली ये रेडी बनकर होती है, उतनी ही खाने में भी टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोज़ हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें, लाइक करना ना भूलें। चॉकलेट लड्डू बनाने के लिए देखिए, मैंने ओरियो लिए हुए हैं और ये लिए हुए हैं मैंने ऑरेंज वाले बाउंस। तो मैं इसके बनाऊँगी चॉकलेट लड्डू। तो सबसे पहले ये मैंने जो बाउंस के नहीं ओरियो वाले जो पैकेट हैं, ये मैंने चॉकलेट वाले लिए हुए हैं, इनको हम लेंगे, खोलेंगे और खोलकर इस बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम ये चारों पैकेट खोलकर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाती है। आपका जब भी कुछ मीठा खाने का दिल करे या आपका कुछ जाने का किचन में ना मन हो बनाने का, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं और फटाफट खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये निकाल लिए चॉकलेट वाले बिस्किट ओरियो के, और मैं इनके कर लेती हूँ छोटे छोटे इस तरह से पीसेस। तो ये देखिए, इसी तरह से मैंने सारे बिस्किट्स को तोड़कर रेडी कर लिया छोटे टुकड़ों में। अब मैंने लिया है ये बोल, इसमें डालूंगी मैं ये जो मैंने ऑरेंज बिस्किट लिए हुए हैं ऑरेंज फ्लेवर में, वो मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने बोन्स के लिए हुए हैं। डाल दे रही हूँ, ये मैंने चार पैकेट लिए हुए हैं 10-10 रुपये वाले, और ये मैं 5-5 रुपये वाले तीन पैकेट ले रही हूँ। ये लीजिए, ये मैंने इसमें डाल दिए देखिए, और इसके भी हम फटाफट उसी तरह से पीसेस करके रेडी कर लेंगे। जैसे छोटे छोटे पीसेस ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा पाउडर बहुत ही ईजिली और फाइन पीस कर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके भी टुकड़े कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार। अब मैं पहले ये जो मैंने चॉकलेट बिस्किट के पीसेस किए हुए थे, इनको मैं मिक्सी के जार में डालूंगी और इसका पाउडर रेडी करूंगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने मिक्सी के जार में इसको डाल दिया है। अब इस पर हम कर देंगे लेट को कवर और इसका हम बना लेते हैं पाउडर। फ्रेंड्स, ये हमारा चॉकलेट पाउडर हो गया है रेडी। तो अब इसको हम इस बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, एकदम बढ़िया सा पाउडर हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये लीजिए, ये सारा पाउडर मैंने इस बोल में निकाल लिया है, और इसी मिक्सी के जार में हम वो जो मैंने ऑरेंज वाले बिस्किट तोड़े हुए हैं, जिनके मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं ऑरेंज फ्लेवर के, वो भी इसमें डाल देंगे। पर हम मिक्सी का अच्छे से निकाल लेंगे सारा चॉकलेट पाउडर, ताकि इसमें रह ना जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा इसमें रह गया है, बट भाई इससे कोई फ़र्क नहीं है। अब हम डाल देंगे इसको, ये देखिए मैंने ये वाले बिस्किट भी इसमें डाल दिए। आइए, इसका भी हम पाउडर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑरेंज बिस्किट को भी पीसकर रेडी कर लिया है। इसको हम निकाल लेते हैं दूसरे बोल में। उसी बोल में आप मिक्स मत कीजिएगा, एक में अलग अलग दोनों को निकालना है। ये देखिए, इसको भी अलग अलग निकाल कर रेडी कीजिएगा और एकदम फाइन पीसिएगा। आप इसके चॉकलेट के लड्डू बनाएंगे तो इसमें आपको अलग से शुगर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखिए, मैंने सोचा आपके लिए मैं रक्षाबंधन स्पेशल यही लड्डू बना के अपने भाइयों को प्रेजेंट करूंगी। आप बताइएगा आप क्या बना रहे हैं इस बार, कुछ अलग सा, कुछ डिफरेंट सा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पाउडर हो गए हैं रेडी। अब हम इसमें डालेंगे दूध इसको मिक्स करने के लिए। तो चलिए हम ठंडा ठंडा दूध लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दूध तो मैंने ले लिया है, पर दूध डालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी चॉकलेट। तो ये देखिए, मैंने चॉकलेट ली हुई थी, उसको मैंने मेल्ट कर लिया था और वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए, हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट कर ली मैंने पहले स्पून की हेल्प से, फिर मैंने इसमें डाल देना है। तो देखिए, मैंने इसमें एक चम्मच डाल दिया है, आप इसको ऐसे करके मिक्स कर दीजिए। अब इसमें आप डालेंगे दूध, तो दूध बहुत नहीं डालना है, आप बहुत थोड़ा सा डालिएगा। आप पहले एक चम्मच से डालिएगा, टेबल स्पून से, तो 1 टेबल स्पून केवल आप इसमें दूध डालेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून दूध डाल दिया है और इसको हम कर ले रहे हैं मिक्स। ये देखिए, तो मिक्स कर लिया, बट अभी ये हमारा सूखा है, तो हम इसमें 1 स्पून मिल्क और ऐड कर दे रहे हैं।
ये लीजिए मैंने इसमें एक स्पून और मिक्स कर दिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अब इसमें हो जाना चाहिए क्योंकि दो आप देखिए अगर कायदे से, तो मैंने दो चम्मच दूध में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए आप बहुत ज़्यादा दूध डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा, फिर आपके लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये एक में इकट्ठा होने लगा, मतलब हमारा दूध इसमें एकदम सही पड़ा हुआ है। ये अच्छे से एकदम डो की तरह होकर रेडी हो गया बनकर, तो इसको हम कर देंगे साइड में। ये मैंने साइड में कर दिया, और ये जो मैंने लिया हुआ है ऑरेंज फ्लेवर में बिस्किट, इसको भी मैं उसी तरह से मिक्स करके डो की तरह बनाऊंगी। तो इसमें भी पहले आप थोड़ा थोड़ा दूध ही डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें एक बार में दो चम्मच दूध डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया, इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। उसमें जो हमारे लमसम आप अगर देखें स्पून के अवसर, तो मैंने दो चम्मच और थोड़ा सा दूध और मैंने लिया हुआ है, मतलब आप ढाई चम्मच दूध में आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा वो, और ये हमारा दो चम्मच में ही अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका भी डो की तरह मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके हम लेंगे इस तरह से, और इस तरह से करके हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से आप छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये जो ऑरेंज वाला मैंने लिया हुआ है इसके छोटे छोटे बॉल्स आपको बनाने हैं, और जो चॉकलेट वाला है उसके थोड़े से बड़े बनाएंगे। उसको भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाकर रेडी करना है। ये देखिए पहले आप इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स में काट लीजिए, फिर इसको आप हाथों की हेल्प से चिकना करके और गोल कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको हम ऐसे इस तरह से खूब अच्छे से रब कीजिए, और ये देखिए कितना सुंदर हमारा बॉल कितना चिकना चिकना बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह से हम इन सारे बॉल्स को बना लेंगे इसी तरह से। ये देखिए पहले हल्का सा हाथों से इस तरह से आप रब कर दीजिए ताकि ये अच्छे से रगड़ जाएँ। जब ये अच्छे से रगड़ जाएंगे तब इनको आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल चिकने ही देखिए रेडी होंगे। ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए चलिए फटाफट इनको रेडी कर लेते हैं हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ये सारे छोटे लड्डू हो गए उनका रेडी। अब हम बनाएंगे इसके, तो ये जो बॉल मैंने बनाई है इस बॉल से थोड़ा सा बड़ी हमें इस बॉल को बनाकर रेडी करना है। तो देखिए इसमें मैं इतना लूँगी, इस तरह से आप इसको लेंगे, इसको भी हाथों से खूब अच्छे से रब करेंगे। रब कर लेंगे तो ये जो आप लड्डू बनाएंगे इसके वो चिटकेंगे और टूटेंगे नहीं। जितना अच्छे से आप इसको रब करके रगड़ कर बनाएंगे उतने ही चिकने और उतने ही अच्छे हमारे लड्डू बनकर रेडी होंगे। ये देखिए मैंने रगड़ दिया है, तो देखिए इसमें चिकनापन आ गया है। अब इसी तरह से हम इसको लेंगे और इसको इस तरह से हाथों से हम फैला देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको हाथ से फैला दिया है। अब इसमें हम रखेंगे इस बॉल को, ये देखिए मैंने छोटी वाली बॉल को इसमें रख दिया है, और इसको हम हर तरफ से अच्छे से कर देंगे कवर। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद इस तरह से हाथ से इसको थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखिए दबा दिया। अब इसको हम कर लेंगे इस तरह से गोल गोल। ये देखिए अच्छे से इसको रब कर दिया था, तो देखिए बिल्कुल एकदम चिकना बना हुआ, किसी तरह की कोई भी दरार इसमें नहीं है। हल्का सा इसको एकदम हल्का सा इस तरह से आप प्रेस कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स है ना एकदम बढ़िया सा चॉकलेट लड्डू बनकर रेडी। ये देखिए तो इसी तरह से बनाकर हम और भी लड्डुओं को, तो ये देखिए इस तरह से हम इसको इसमें रख देंगे। ये देखिए जैसे मैंने दो बनाकर रेडी किए हैं, इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को बनाकर रेडी कर लेती हूँ फटाफट। फ्रेंड्स हमारे सारे चॉकलेट बन के लड्डू हो गए हैं रेडी, और ये लीजिए हमारे सारे लड्डू हो गए कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सा हम मार्केट लुक देंगे। मार्केट लुक लेने के देखिए मैंने ये हुआ डेसिकेटेड कोकोनट, और उसको हल्का हल्का हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वो भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए वरना आप इसको स्किप कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको डाल दिया इस पर डेसिकेटेड कोकोनट। अब इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिजर में ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। ये फ्रेंड्स आधा घंटा हो गया है और हमारी चॉकलेट मिठाई हो गई अच्छे से सेट। तो आइए हल्की सी कर देते हैं गार्निशिंग, क्योंकि हमें देना है इसको बिल्कुल मार्केट लुक। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही आप सब पर कर लीजिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ऐसे ही खा लीजिए। बस ये होता है ना, चीज़ देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव होती है तो खाने में और भी दिलचस्पी होती है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स इसी तरह से आप सारी मिठाइयों को कीजिए डेकोरेट। मैंने इसमें सब में चॉकलेट लगाकर
कर लिया है रेडी। अब आइए इसको हम देते हैं फाइनल लुक। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, आप इसमें स्प्रिंकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी मिठाई देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी और वैसे फ्रेंड्स ये मिठाई खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। ये देखिए, तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारी चॉकलेट लड्डू बनकर हो गए हैं रेडी। अब आप इनको टेस्ट कीजिए। ये देखिए, आइए मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ। ये फ्रेंड्स मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कट किया है और ये रही हमारी, ये देखिए चॉकलेट के लड्डू। ये देखिए जितने ज़्यादा ये देखने में सुंदर लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, उतने ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी हैं। भाई मेरे बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। अब आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे लगे आपको और आपके बच्चों को। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और हमारे बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।